गुली बुली और सोनाथ रॉड के साथ जंगल के बीच वाले नदी के पास पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। नदी के किनारे आते ही ये लोग पिकनिक का सारा सामान जीप से उतारकर नीचे रखते हैं। गुली कहता है, हमें यहाँ आग जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है, चलो चलकर कहीं से लकड़ी लेकर आते हैं। सोन कहता है, तो फिर देर किस बात की, चलो हम चारों लोग अलग अलग दिशाओं में जाकर लकड़ियाँ ढूंढते हैं तो हमें लकड़ियाँ जल्दी मिल जाएगी। अरे सोन तुम पागल हो क्या, इतने खतरनाक जंगल में अकेले घूमना कोई बच्चों का खेल नहीं है, अगर किसी जंगली जानवर ने हमें इस जंगल में अकेला देख लिया तो वो तो हमें गायब ही कर देगा। सोन कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बुल्ली, मैंने कब कहा कि हमें इस जंगल में घूमना है, मैं तो कह रहा हूँ कि हमें यहाँ लकड़ियाँ ढूंढना है, और वैसे भी इस जंगल के जानवरों को जादू थोड़ी ना आता है कि वो हमें गायब कर देगा। रॉड कहता है, अरे सोन बुल्ली के कहने का मतलब है कि जंगली जानवर हमें खाकर गायब कर देगा। रहने दो रॉड, सोन को समझाकर कोई फायदा नहीं है, जाओ सोन तुम अकेले जाकर लकड़ियाँ ढूंढो और हम तीनों एक साथ जाकर लकड़ियाँ ढूंढ कर लाते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें क्या है गुल्ली, मैं तुम लोगों की तरह किसी जंगली जानवर से डरता थोड़ी ना हूँ, मैं अकेले ही जाकर लकड़ियाँ ढूंढ कर ले आऊंगा, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं खड़े रहकर मेरे आने का वेट करो, चलो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर सोन यहाँ से जाने लगता है और ये लोग यहीं खड़े रहते हैं। थोड़ी दूर आते ही सोन को नदी के पास एक मेंढक दिखाई देता है, जिसे देखकर सोन बहुत डर जाता है और दौड़ता हुआ गुल्ली बुल्ली और रॉड के पास जाने लगता है। सोन जैसे ही इन लोगों के पास आता है तभी गुल्ली कहता है, क्या हुआ सोन, तुम तो कह रहे थे कि तुम किसी भी जानवर से नहीं डरते हो, लेकिन एक मेंढक ने ही तुम्हें डरा दिया। नहीं नहीं गुल्ली, तुम गलत समझ रहे हो, मैं उस मेंढक से डरा थोड़ी ना था, मैं तो बस ये सोचकर वापस आ गया कि अगर मैं तुम तीनों को यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊंगा और मेरे जाने के बाद तुम लोगों के पास कोई जंगली जानवर आ गया तो तुम लोगों का क्या होगा। रॉड कहता है, अरे सोन तुम हम लोगों का टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, चलो एक काम करो, तुम तीनों एक साथ जाकर लकड़ियाँ ढूंढ कर लाओ और मैं यहाँ अकेले रुककर पिकनिक का सारा सामान और जीप का देखभाल करता हूँ, और हाँ तुम लोग मेरी चिंता मत करना, क्योंकि अगर कोई जंगली जानवर मेरे सामने आया तो मैं उसे तुरंत फ्रीज कर दूंगा। जैसे ही रॉड इतना कहता है तभी सोन को कुछ दिखाई देता है, जिसे देखते ही सोन कहता है, वो देखो गुल्ली बुल्ली और रॉड, नदी के उस पर एक सूखा पेड़ है जिसके नीचे टूटी हुई लकड़ियाँ भी गिरी हुई है। सोन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और रॉड भी सूखे पेड़ को देख लेते हैं। रॉड कहता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन तुम लोग नदी के उस पार जाओगे कैसे। उसकी चिंता तुम मत करो रॉड, देखो यहाँ पर एक नाव रखा हुआ है, हम लोग इस नाव से नदी के उस पार चले जाएंगे। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ से जाकर नाव में बैठ जाते हैं और नदी के उस पार जाने लगते हैं। अरे ये क्या, ये नदी तो शुरू होते ही खत्म हो गई और कुछ ही देर में ये लोग नदी के दूसरे तरफ आकर नाव को साइड में लगाते हैं और सूखे पेड़ की तरफ जाने लगते हैं। और इधर रॉड डब्बे के ऊपर बैठकर गुल्ली बुली और सोन के आने का वेट कर रहा है। कुछ ही देर में ये लोग पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। गुल्ली कहता है, यहाँ तो बहुत ही कम लकड़ियाँ हैं, इतने में हमारा काम नहीं चलेगा, हमें और लकड़ियाँ तोड़ने के लिए इस पेड़ के ऊपर चढ़ना होगा। नहीं नहीं गुल्ली, हमें इस पेड़ पे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो देखो वहाँ पर एक लकड़ी गिरा हुआ है और उस गुफा के पास भी कुछ लकड़ियाँ हैं, मुझे लगता है कि हमें उस गुफा के अंदर जाकर देखना चाहिए, जब उस गुफा के बाहर कुछ लकड़ियाँ गिरी हुई है तो हो सकता है हमें उस गुफा के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाए। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन गुफा के पास जाने लगते हैं। गुफा के पास आते ही ये लोग इस गुफा के अंदर चले जाते हैं। इस गुफा के अंदर इन लोगों को बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली ये भूतों वाली डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही है, मुझे इस गुफा के अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। हाँ हाँ सोन तुम सही कह रहे हो, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। ये कहकर जैसे ही ये लोग पीछे पलटते हैं तभी गुफा के दरवाजे के पास एक पत्थर गिर जाता है जिसके कारण इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। इसका मतलब गुल्ली बुल्ली और सोन इस गुफा के अंदर ही फंस गए। गुल्ली कहता है, अब हम लोग इस गुफा से बाहर कैसे निकलेंगे, पता नहीं हमारे इस गुफा के अंदर आने के बाद ही ये पत्थर नीचे क्यों गिरा। हाँ गुल्ली मैं भी यही सोच रहा हूँ, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। गुल्ली बुल्ली और सोन को इस गुफा के अंदर बहुत डर लग रहा है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि इस गुफा के दूसरे तरफ चोचो चार्ल्स रहता है जो इन लोगों की आवाजें सुनकर यहाँ आ गया है, लेकिन ये इस गुफा के अंदर नहीं जा पा रहा है, इसलिए चोचो चार्ल्स इस गुफा के बाहर ही गुल्ली बुल्ली और सोन के आने का वेट कर रहा है और इसने ही पहाड़ों को हिलाकर गुफा के दरवाजे के पास वाले पत्थर को गिराया है। लेकिन चोचो चार्ल्स के बारे में गुल्ली बुल्ली और सोन को कुछ भी नहीं पता है। चलो गुल्ली बुल्ली इस गुफा के और अंदर चलकर देखते हैं, हो सकता है आगे हमें इस गुफा से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। ये कहकर ये लोग इस गुफा के और अंदर जाने लगते हैं। इधर रॉड बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि इसे दूर दूर तक गुल्ली बुल्ली और सोन नहीं दिख रहे हैं। लगता है रॉड ने उन लोगों को सामने वाले गुफा के अंदर जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन जो भी हो रॉड को जल्दी गुल्ली बुल्ली और सोन को ढूंढना चाहिए। तभी रॉड ये सोचता है कि इसे उन लोगों को ढूंढने के लिए इस नदी को तैरकर पार करना होगा क्योंकि नाव तो नदी के उस पार है, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि रॉड को तैरना आता है। ये सोचकर रॉड यहाँ से आगे जाने लगता है।
कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन को इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। गुफा से बाहर आते ही इन लोगों को अपने सामने एक छोटा सा घर दिखाई देता है जो पेड़ों के ऊपर बना हुआ है। तभी गुल्ली कहता है, मुझे लगता है कि हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, चलो इन पहाड़ों के ऊपर चढ़कर वापस नदी के पास चलते हैं, वैसे भी यहाँ एक भी लकड़ी नहीं है। ये कहकर जैसे ही ये लोग पीछे पलटते हैं तो इन लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर इन लोगों के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि पहाड़ों के ऊपर तो कोई ट्रेन वाला मॉन्स्टर खड़ा है जो इन लोगों को घूर घूर कर देख रहा है। लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन को ये नहीं पता है कि ये कोई ट्रेन वाला मॉन्स्टर नहीं बल्कि चोचो चार्ल्स है जो पहाड़ों के इस तरफ आने वाले सभी लोगों को मारकर खा जाता है। तभी चोचो चार्ल्स धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ आने लगता है जिसे देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते सोन कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली, ये हम लोग कौन सी मुसीबत में फंस गए, अब हमारा क्या होगा। चलो एक काम करते हैं बुल्ली और सोन, इस पेड़ के ऊपर जो घर बना हुआ है इस घर के अंदर चलते हैं। ये कहकर ये लोग इस घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी चोचो चार्ल्स तेजी से आकर गुल्ली को पकड़ लेता है और इसे अपने साथ कहीं लेकर जाने लगता है। अरे ये क्या, चोचो चार्ल्स तो गुल्ली को लेकर जंगलों के अंदर चला गया। ये देखकर बुल्ली और सोन बहुत डर जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चोचो चार्ल्स गुल्ली को मार देगा या फिर गुल्ली किसी तरह बच जाएगा, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट टू में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट टू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।